नमस्कार दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ग्रीस कैसे ट्रैवल करना है। ग्रीस जाने से पहले आप मनी एक्सचेंज जरूर करवा लें, बिकॉज़ वहाँ पे 40 यूरो चार्ज किए जाते हैं करेंसी एक्सचेंज करने। तो पहले से आप करेंसी एक्सचेंज करवा के रखें तो, और बाकी अभी वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कोई लोड नहीं पड़ रही है। PLF फॉर्म आपको वगैरह कुछ नहीं भरना है, आप ईजिली ट्रैवल कर सकते थे जब हम। ये जो मैं रियल इंसिडेंट सुना रहा हूँ आपको, जो मेरे पास अराइवल में हुआ भाई, लैंड कर गए हम एथेंस में, बहुत खज्जल हुए हैं अभी तो, बहुत परेशानी हुई है। इमिग्रेशन में बहुत रोक के रखा था, क्वेश्चन पूछ रहे थे क्यों आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या है, बहुत परेशान है। थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। ठीक है, आपको पता है कि अभी मैं बीच में पहुँचा था और मुझे वहाँ पे जो इमिग्रेशन ने रोक के रखा था, तो इमिग्रेशन ने क्वेश्चन पूछे, काफ़ी क्वेश्चन पूछे। उन्होंने मेरी होटल बुकिंग चेक करी, रिटर्न टिकट चेक करी, और उन्होंने काफ़ी क्वेश्चनिंग करी, और उन्होंने वीज़ा स्टैम्प करने में से पहले उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे मेरे को सारे चेक किए। उन्होंने मेरा फंड्स वगैरह चेक किए कि कितने मेरे पास फंड्स कैरी कर रहा हूँ, कौन से मेरे पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में कौन से कैरी कर रहा हूँ अपने साथ। फिर इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हमने जो अपना बैगेज चेक किया, फिर हमने सिम कार्ड परचेज किया। तो सिम कार्ड की कॉस्ट है वहाँ पे वो आपकी 20 यूरो है, उससे जो आपको 35 GB इंटरनेट मिलता है, जो कि आप पूरे यूरोपियन कंट्री में यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से आप डायरेक्ट मेट्रो यूज़ करेंगे, और मेट्रो यूज़ करके आप अपने डायरेक्ट जहाँ पर भी आपने होटल बुकिंग किया है वहाँ पर ईजीली आप पहुँच सकते हो। आजा, ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये मेरी जनरल की वीडियो है। जब मैंने ट्रैवल किया था तो हम लैंड करके बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल थी, तो कुछ जो जगह थी वो बंद थी और कुछ जगह जो ओपन थी, तो वहाँ से काफ़ी हैवी स्नोफॉल थी, जिससे ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत भी आई। तो अब वेदर भी आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हो, बट जब हमने ट्रैवल प्लान किया था तब वहाँ पर कोई चांसेस नहीं थे स्नोफॉल के, और जब आप वहाँ पर लैंड करो तो काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल थी, जिसके जो रोड सर्विस थी वो पूरी बंद थी। तो आप मेट्रो से इजीली कन्वीनियंट रहेगा, आप किसी भी कंट्री ट्रैवल करते हैं तो सबसे बेस्ट है आपके लिए मेट्रो सर्विस ही रहती है गाइस, कि आप वहां से मेट्रो लेके डायरेक्ट जो आपका होटल जो भी है आपने बुक किया हुआ है वहां पे इजीली आप इजीली पहुँच सकते हैं। बिकॉज़ जो बाय रोड होता है वो बाय ही हैसल भी होता है, और उसमें जो चार्जेज होते हैं वो काफ़ी हाई लगते हैं, तो मेट्रो जो है वो बहुत अच्छा एक सर्विस रहता है।
आसमान में सही है। वन स्टार्ट ही नहीं करा था मैंने। सर वापस कर, वापस कर, स्टार्ट है, अब स्टार्ट है। चले मत, तू मत चल, खड़ा रहे।
और आप बस